हेलो डियर स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 2000 रुपीज फॉर वन ईयर एट द रेट ऑफ 8% पर एनएम। व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड सेमी एनुअली द कंपाउंड इंटरेस्ट इज ऑप्शन ए 163.2 रुपीज, बी 2163.2 रुपीज, सी 2000 रुपीज एंड डी नन ऑफ दीज। क्वेश्चन में अमाउंट हमारा दिया हुआ है 2000 फॉर वन ईयर, वन ईयर के लिए 8% के रेट से, जिसका जो है रेट है वह है 8%। हमें फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है सेमी एनुअली, ठीक है। हमारा जो टाइम है वह दिया एनुअली एंड इसका जो रेट परसेंट है वह है 8% पर एनएम। तो हमें फाइंड करना है सेमी एनुअली कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। ये क्वेश्चन आरआरबी 2013 में पूछा गया था। देखते हैं कि हमारा गिवन डाटा, इसमें गिवन डाटा हमारा क्या है। गिवन डाटा प्रिंसिपल इक्वल्स टू, प्रिंसिपल पी इक्वल्स टू 2000 रुपीज। नेक्स्ट क्या है, टाइम, टाइम टी इक्वल्स टू, टाइम टी इक्वल्स टू वन ईयर। तो हमें सेमी एनुअली यहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। सेमी एनुअली से हम कन्वर्ट करते हैं, वन ईयर इक्वल्स टू टू हाफ ईयर, ये होगा वन ईयर इक्वल्स टू टू हाफ ईयर। नेक्स्ट क्या है, रेट, रेट दिया है 8% पर एनएम, ठीक है। रेट क्या है, 8% पर एनएम। तो सेमी एनुअली के लिए यह क्या हो जाएगा, 8% पर एनएम बाय 2, 8% पर एनएम बाय 2, 8 बाय 2 इक्वल्स टू 4%, इक्वल्स टू 4%, ये होगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो है फॉर्मूला होता है कि सी आई इक्वल्स टू, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है तो इसका फॉर्मूला होता है सी आई इक्वल्स टू पी इंटू 1+R/100 पावर ऑफ टाइम माइनस पी। सी आई इक्वल्स टू पी इंटू 1+R/100 पावर ऑफ टी माइनस पी। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, जहां पे पी है प्रिंसिपल, टी टाइम एंड आर है रेट। तो इसे फाइंड करते हैं। अब हम पी एंड आर एंड टी का वैल्यू जो पुट करते हैं, सो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड हो जाएगा। सो सी आई इक्वल्स टू 2000 इंटू 1+4/100 माइनस 4/100 पावर ऑफ 2, टाइम है 2, माइनस 2000। सी आई इक्वल्स टू होगा 2000 इंटू 1+4 से 100 कटेगा तो 1/25 पावर ऑफ 2 माइनस 2000। नेक्स्ट सी आई इक्वल्स टू 2000 इंटू, अब इसे हम जोड़ते हैं तो एलसीएम से जोड़ते हैं इसको, सो होगा 26/25 का स्क्वायर, 26/25 का स्क्वायर होगा माइनस 2000 इक्वल्स टू 2000 इंटू 26 का स्क्वायर बाय 25 × 25 माइनस 2000। अब ये कटेगा 25 से 2000 80 टाइम एंड फिर 25 से ये कटेगा, सो 16/5 इक्वल्स टू 16 × 26 का स्क्वायर बाय 5 माइनस 2000 इक्वल्स टू, अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो
26 का स्क्वायर इंटू 16, सो 10,000 816 बाई 5 माइनस 2,000 10,816 बाई 5 माइनस 2,000 इक्वल्स टू 2,160.2 माइनस 2,000। सो इस प्रकार हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 163.2 163.2 रुपीज जो हमारा होगा कंपाउंड इंटरेस्ट 163.2 रुपीज ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। सो ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए है आपका 163.20 रुपीज। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 2000 फॉर वन ईयर एट द रेट ऑफ 8% पर एनम व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड सेमी एनुअली द कंपाउंड इंटरेस्ट इज आंसर ऑप्शन ए 163.2 रुपीज। तो ये था आज का क्वेश्चन। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब प्लीज। थैंक फॉर वॉचिंग।